हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आई नो ममाज वर्ल्ड चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे, तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ममाज वर्ल्ड चैनल पे वीडियोस नहीं आते हैं या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि ममाज वर्ल्ड चैनल पे वीडियोस हमेशा आते रहेंगे और हम हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आए क्योंकि कुछ पर्सनल वजह थी। बहुत सारे चेंजेस हमारे पर्सनल लाइफ में चल रहे थे जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही थी। एंड उसके बाद में ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सो आप सबको पता है, आप सब भी फेस कर रहे हैं कि घर के काम इतने बढ़ गए हैं। अलॉन्ग विद दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो मुझे वर्क फ्रॉम होम में करती हूँ तो 9 घंटे मेरे ऑफिस के काम में चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट घर के सारे काम करने होते हैं एंड मेरा 2 साल का छोटा बच्चा है, उसके साथ में सब कुछ मैनेज करना इज अ वेरी बिग टास्क एंड इसकी वजह से मैं यूट्यूब को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। सो मैंने सोचा था कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी, लेकिन आज मोदी जी ने बताया, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि हमारा जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है, यानी कि मतलब और वेट करने का मतलब नहीं है कोई। सो मैंने कहा कि नहीं, आज ही मैं वीडियो शूट करूंगी एंड तुरंत वीडियो जो है मैं बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अब और ज्यादा मैं यूट्यूब से खुद को दूर नहीं रख सकती एंड मैं अपने सब्सक्राइबर से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। सो आज कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लेके आई हूँ, बट जस्ट कैजुअल कि मैं मेरे कॉन्टेंट में क्या कर रही हूँ या जो भी चीजों का हमें ध्यान रखना है वो सारी चीजें हम किस तरह से कर रहे हैं एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से घर में एंगेज रख रही हूँ, उसको कैसे एंगेज करा रही हूँ, ये सारी चीजें बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि हो सकता है इससे कुछ लोगों को टिप्स मिले और उनके लिए ये टिप्स यूजफुल हो। सबसे पहले बात करेंगे स्टे फैक्टर्स। न्यूज पेपर्स, न्यूज चैनल्स, गवर्नमेंट, यूट्यूबर्स, बहुत सारे जरिए से हमें इन चीजों का पता चल रहा है कि लॉकडाउन में हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी है। सो यहाँ पे कुछ स्टे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी जो मैं फॉलो कर रही हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। इसी के साथ में और एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, वो है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइज योर हैंड्स, सैनिटाइज एवरीथिंग विच एवर कम्स योर होम। मतलब बाहर से जो भी चीज आपके मेन डोर से घर के अंदर आ रही है उसको आपको सैनिटाइज करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है 20 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा। बहुत सारे लोगों ने उस पर चैलेंज के वीडियो पोस्ट किया, कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। इसके बाद में हम इसेंशियल जो भी लाते हैं उसके बारे में कैसे सैनिटाइजेशन का ख्याल रख रहे हैं। सो हफ्ते में हम एक या मैक्सिमम 2 बार ही बाहर जाते हैं घर से, जिसमें कि हम वेजिटेबल्स लाते हैं या इसेंशियल सामान लाते हैं। जो भी इसेंशियल सामान या वेजिटेबल्स हम लाते हैं उसमें जो खराब नहीं होगा ऐसा सारा सामान हम पूरा 1 से 1.5 दिन तक हम हमारे बालकनी में रखते हैं, हम उसको टच नहीं करते हैं। बाकी जो भी सामान हमें लाना यूज करना है, जैसे कि वेजिटेबल्स है या मिल्क है, मिल्क पैकेट है तो हम उसको वॉश करके यूज करते हैं एंड वेजिटेबल्स को भी हम वॉश करके गर्म पानी में साइड में रख देते हैं। जैसे जैसे वेजिटेबल्स को हमें यूज करना है हम लेके उसको अच्छे से पकाने के लिए डालते हैं। After using vegetables, again I sanitize my hand, क्योंकि vegetables हम बहुत जल्दी जल्दी use करते हैं so हो सकता है कि उसमें भी virus हो। इसके अलावा जो भी बाकी items हम लाते हैं हम टेरेस में बालकनी में वैसे ही उसको रख देते हैं और 1.5 दिन के बाद में हम उसको यूज करने के लिए निकालते हैं। जो भी सामान बंदा जो भी बाहर से लेके आता है वो आने के बाद में सामान बालकनी में रख के तुरंत वॉशरूम जाता है, हम अपना हाथ अच्छे से सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद में तुरंत हम बाथ ले लेते हैं। इस तरह से हम हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं कि जो भी सैनिटाइजेशन प्रोसीजर बोली गई है उसका हम इस तरह से ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहूंगी कि इस क्वारंटाइन में मैं क्या कर रही हूँ या किस तरह से हमारा ये लॉकडाउन पीरियड स्पेंड हो रहा है। सो जैसे कि बहुत मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड अक्रॉस द ग्लोब में कहूंगी कि अभी सबको हर कोई अपना अपना घर का काम करने में लगा हुआ है एंड जैसे कि हमारी डेली हेल्प नहीं है, हम ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं भी ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सो हमारा 9 घंटे घर से ऑफिस का काम होता है, उसके बाद में कुकिंग है, साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, ये सब मैं भी काम कर रही हूँ। एंड इस सब के दौरान एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि हमारे बच्चे को एंगेज कराना, वो भी घर के अंदर, क्योंकि उसको 2 बार गार्डन जाने की आदत थी। सुबह उठते ही, ब्रेकफास्ट होते ही उसको गार्डन जाना है, इवनिंग गार्डन जाना है। और दूसरी बात ये कि वो मेरे इन लॉज के पास भी ज्यादा टाइम रहता था, सो
उसको स्टार्टिंग में वो मिस करता था उनको, तो उसको हमारे साथ पूरी तरह से एडजस्ट करना ये भी एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो नॉट बड़ा बट थोड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि वो बार बार पूछता था कि अजयबा कहाँ है, या वो सुबह उठते ही बोलता था कि गार्डन में जाना है। एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ बच्चों का यही है कि उनको खेलने जाना होता है। सो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से उसको एंगेज करा रहे हैं और किस तरह से हम उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। सो सबसे पहले तो हमने उसको गार्डन में जाना पूरी तरह से बंद कराया, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी बच्चे को बाहर लेके जाते हो इवन इन कॉरिडोर, तो बच्चों को याद आती है कि उनको गार्डन में जाना है। सो हमने पहले उसको पूरी तरह से बंद किया, हमने उसको बोला कि बाहर नहीं जाना है और कोई भी नहीं दिख रहा है देखो, और बहुत बड़ा सा मऊआ आ गया है, वो काटता है लोगों को, इस तरह से हमने उसको बताया। उसको बात करते तो समझ आता है। सो पहले हमने उसका गार्डन जाना पूरा स्टॉप कर दिया, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी उसको बाहर लेके जाते इधर उधर तो फिर वो रोज जिद करता। एंड सेम एक्टिविटीज हमने घर में करना स्टार्ट किया, जैसे कि हम उसके साथ बॉल खेलते हैं। सो जब हम उसके साथ खेलते हैं तो वो ज्यादा एंजॉय करता है, इंस्टेड कि हमने उसको सिर्फ टॉय देके बिठा दिया एंड बोला कि खेलो भाई तुम। सो वो बोर होता है। सो हम खुद भी उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, मेरे हस्बैंड उसके साथ बॉल से खेलते हैं, उसकी जो भी स्कूटर साइकिल है हमने घर में बहुत जगह कर दी है खाली स्पेस, तो उसको हमने पूरे घर में आजादी दे दी कि तुम कहीं पे भी उसको घुमाओ। सो वो रिलैक्स माइंड से उस तरह से खेलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ सो मैं उसको इन्वॉल्व कराती हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ तो डेफिनेटली वो किचन में आके बैठ जाता है। सो अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो मैं उसको भी आटा देके उसको भी बोलती हूँ कि मेरी तरह से रोटी बनानी है। अगर मैं सब्जी बना रही हूँ तो मैं भी उसको कटोरी में थोड़ी सी सब्जी डाल के चम्मच देती हूँ, तो वो उसके साथ खेलता रहता है। ये हमारा रोज का रूटीन बन गया है। अगर मैं कपड़े उसको खाने डाल रही हूँ तो मैं एक दो छोटे कपड़े उसको दे देती हूँ कि वो डाल दे। बर्तन धोते टाइम सेम, आई नो कि इसमें बच्चे थोड़ा सा मेस कर देते हैं उधर उधर, लेकिन ठीक है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना और उनको खुश रखना, उनको हैप्पी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जो हमारे छोटे बच्चों को फेस करनी पड़ रही है अलॉन्ग विथ अस, जो कि बहुत खराब बात है। लेकिन इसमें हमें उनको पॉजिटिव रखना और पॉजिटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें अंदर से फिट एंड स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। मतलब कभी कभी ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, मुझे भी ऐसे अंदर से वीक फील होता है, एंड देन आई सी सम मोटिवेटिंग वीडियोज, आई रीड समथिंग गुड एंड देन आई फील वेरी गुड। सो ये सब आप भी कीजिए, और मैं बस ये शेयर करना चाहती थी कि मैं इस सारे जर्नी में किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैं कुछ बहुत खास नहीं कर रही हूँ, रेगुलर काम, रेगुलर रूटीन और मेरे बच्चे के साथ में ज्यादा से ज्यादा हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे बच्चे के साथ स्पेंड करने को मिले, एंड आज वो मुझे मिल रहा है। सो मैं 24/7 हम हमारे बच्चे के साथ होते, सो और क्या चाहिए राइट एक पेरेंट्स को। सो एंजॉय दिस टाइम ऑल्सो, इससे भी हम बाहर आने वाले हैं, और स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे होम। मी माझ्या मराठी दर्शकांना ही सांगू इच्छिते की प्लीज काळजी घ्या, घरी रहा, घरी रहा, घरी रहा, घरी रहा, स्वस्थ रहा, मस्त रहा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय।